नमस्कार, मैं हूँ ज्योति और रोज़ अब टीवी की गपशप सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं काशी के लोक साहित्य के मर्मज्ञ और भोजपुरी भाषा के सशक्त हस्ताक्षर पंडित हरे राम द्विवेदी जी। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे रोज़ अब टीवी की ओर से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में आप भोजपुरी साहित्य के संवाहक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो जीवन यात्रा रही अब तक कैसी रही और किस तरह से आप इस लोक साहित्य से जुड़ने के लिए तत्पर हुए। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं साफ बता दूं कि भोजपुरी का मैं बहुत भजवाहक नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता अपने को। मैं उसका एक विद्यार्थी हूँ, अब भी सीखने की प्रवृत्ति है, कुछ जानने की प्रवृत्ति है। और भोजपुरी में लिखने का जो मेरा मन हुआ या मेरे में झुका हुआ, वो बचपन से ही एक प्रवृत्ति थी कि जो लोकगीत होते थे, खासकर संस्कार गीत घरों में जो होते थे, माताजी के साथ में छोटा था तो जाता, बहुत अच्छा लगता था हमको। चाहे सोहर का बच्चा पैदा हुआ, वो किसी घर हो रहा हो, माँ के साथ चला गया, शादी पड़ी वहाँ चला गया, जाके बैठ के सुनता था। और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही भीतर से कोई जैसे टच कर जाती थी बात, कितना अच्छा है, कितनी सरल भाषा, कितना सहज भाव। और पता काश ऐसा मैं भी लिख पाता, बचपन से ये बात थी। बड़ा हुआ थोड़ा सा तो लिखने लगा, लेकिन चोरी चोरी लिखता था, किसी को दिखाने का मन नहीं होता था, डर लगता था कि कहीं कोई वो देखे क्या कहेंगे लोग, एक लाज लगती थी। धीरे कुछ लोगों ने जाना तो फिर उसका शुरुआत शुरू हो गया। थोड़ी बहुत तो बंदी करते चले आ रहे हैं, आज भी तरस के रह जाती है तिब्बत की, काश लोकगीतों की वो भाषा मिल जाती। नहीं मिली। उसके पीछे कारण क्या, देखिए पढ़ने लिखने के बाद था, शहर में आने के बाद वातावरण थोड़ा बदल गया। वो गांव वाली बात, वो भाषा, जैसे लोग हैं कि जो नहीं पढ़े हैं और कि वहीं के हैं, वहीं की भाषा, उनमें जो सहजता है वो नहीं आ पाई। फिर भी एक प्रयास है, कोशिश है, लगे हैं, उसके प्रति एक अनुराग है, आदर का भाव है, आत्मीयता है। देखिए मैं वहीं से उसी ज़मीन से आया हूँ, एकदम सामान्य किसान परिवार का हूँ, कोई मेरे बच्चों है। और आया तो फिर पढ़ाई है, तमाम पढ़ने लिखने में कोई बहुत ऐसा विद्यार्थी नहीं था, सामान्य था। लेकिन एक चीज़ थी, एक ललक थी कि मैं कुछ करूँ, ऐसा करूँ कि मुझे जानने वाले मेरे नाम से जाने, ये नहीं कि उनके लड़के हैं, उनके भाई हैं, उनके साले, उनके बस, ये कुछ नहीं। मेरा ये रहा और अपने ढंग से चलता गया। लिखने के पीछे एक बात बताएं कि शुरू भोजपुरी में लिखता था तो यहाँ के जो नामधारी जो प्रतिष्ठित कवि थे हिंदी के, वो लोग बहुत इसी उपेक्षा की दृष्टि देंगे, परिचय देंगे आंचलिक कवि भोजपुरी के हैं, कुछ आघात लगता था। लेकिन ये नहीं कि उसके लिए एक ग्लान ही नहीं होती थी, मुझे गुमान था कि मैं अपनी बोली में जो बोली मैंने घर आंगन में माँ के दूध के साथ सीखी है, जिसमें संस्कारित हूँ, मैं उसमें लिखता हूँ मुझे इसका। और फिर वो बाद में कालांतर में कुछ बड़े लोगों ने जब सराहा, फिर लोगों का झुका हुआ। लेकिन मैं इतना और सब कुछ सोने के बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक तरह से कह सकते हैं कि आपने अपने भीतर की मिट्टी को, जो जमीन है, उसको अपने भीतर संजोया। जी, उसके पीछे बाबू ये है कि जी उस मिट्टी के ऋण से तो ऋण हो ही नहीं पाऊंगा कभी नहीं, उसी में पला पनपा संस्कारित हुआ। मैं एक बहुत छोटी सी घटना बता रहा हूँ, सुनिए। मेरे दरवाजे पर दो नीम के पेड़ थे, घनी छाया थी, काफ़ी बड़ा चबूतरा था, मतलब ये इतना बड़ा था कि वो भी गाड़ी आ, ट्रैक्टर आवे ट्राली के साथ, तो वो बैग लेकर वैसे पूरा राउंड लेकर घूम जाए, इतनी दिन था। कच्चा स्थान था,
लोग बैठते थे मैं आते, और बच्चे हम सब लोग जो बचपन में बच्चे हर वर्ग के, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, हरवाह का, चरवाह का, बनिया का, मजदूर को, सब बच्चे एक साथ खेलते थे और धूल की मिट्टी के घरौने बनाते थे। घरों में बनाकर भाई तब होता क्या था कि उसमें कैसे कैसे पहचान होती थी, कौन कैसे परिवार का है, इसका ज्ञान कैसे होता था। वो धोबी का देखिए हमार गधा बनाई और ये मैया देखा ठीक नाद रही, वो यादव जी का देखा यहाँ हमार भैंस नहीं है, हमार हरी बन रही, बनिया के कहा यहाँ हमार दुकान नहीं भाई देखा एक, और वैसे ही जो बड़े घर के लड़के होते थे ठाकुर ब्राह्मण के या जो जमींदार के, मैं कहा भाई इधर से मेरे मेरी बग्घी आएगी रास्ता से चौड़ा हो जाए, यानी इस तरह से। लेकिन सब एक साथ खेलते थे, सब कोई भेद नहीं था, और वो बात आज भी याद आती है, काश पूरा समाज उस ढंग से संगठित रहा होता तो जो ये आग लगी है वर्गवाद भेद नहीं तो ये ना रहता। नहीं रहता। एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपकी जीवन से ही जुड़ी, कि आपका जन्म कहाँ और कब हुआ, ये थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं। मिर्ज़ापुर ज़िले के एकदम पूर्वी छोपर चुनार तहसील में जी एक गांव है शेरवा, पहाड़ियों का सिलसिला जहाँ ख़त्म होता है उसी के नीचे वो गांव पड़ता है जी। और मेरे गांव के बाद फिर चंदौली ज़िला था, पहले बनारस ज़िला था, चंदौली ज़िला हो जाता है जी। वहीं पर 12 मार्च 1936 को मेरा जन्म हुआ। सामान्य ब्राह्मण किसान, संस्कारी किसान, ब्राह्मण परिवार था सनातनी, वहीं शिक्षा दीक्षा गांव में हुई, प्राइमरी की मिडिल स्कूल में वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर जाते थे, हाई स्कूल में बनारस आया 1991 में, तब से बनारस रह ही गया, हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट फिर चुनार चला गया, फिर BHU में आ गया, फिर वहाँ से BA किया, विद्यापीठ से MA में नाम लिखाया, फिर BEd में हो गया, तो प्रीवियस करने के बाद BEd में चले आए, अब BEd ख़त्म होते होते मेरी नौकरी लगी, मैं इलाहाबाद चला गया। नौकरी कहाँ पे लगी आपकी? आकाशवाणी में। आकाशवाणी इलाहाबाद। मैं आकाशवाणी में जुड़ गया था काफ़ी पहले से ही, कुछ कविताएँ मेरी सुनी लोगों ने, फिर लोग कवि के हाँ बुलाने लगे, फिर वह बड़े बड़े लोगों से, अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, और वक्त आए तो मैं सोचता था कि मैं BEd करने के बाद मास्टर हो जाऊंगा, टीचर हो जाऊंगा, लेकिन टीचर न हो गया तो टीचर हो गया, वो बुला लिया गया, वो वक्त था कि खोजते थे कि आदमी हमारे काम के, उसको बुला के रखा गया था, मैं रहा तो हम लोग को जो ट्रेनिंग दी गई तो उसके माने कहे नौकरी माने कुछ नहीं, आप कार्यक्रम के लिए हैं, टॉप प्रायोरिटी उसको देनी है। तो जिस ढंग से हम लोग को सिखाया गया, मैं कभी किसी कार्यक्रम को नहीं कर, जो मिला किया और पूरे मन से किया, समर्पित भाव से किया, कोई चीज़ आज के लिए कल्प नहीं छोड़ी, आज है तो इसको पूरा कर दे, ये प्रवृत्ति रही, और बहुत बहुत अच्छे ढंग से बीते, बड़े चैन से बीत गया सब कुछ। चूँकि आप लोक संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़े हैं, तो एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न ये भी है कि आपको, आप लोक संस्कृति या लोक को किस तरह से परिभाषित करते हैं? लोक संस्कृति से जुड़े हैं, लोक से जुड़े हैं, भीतर से जुड़े हैं, जन्म से जुड़े हैं, और ये दिखावे की बात नहीं है कि मैं उसको दिखाऊं कि मैं बोलूं, मेरे साथ वो पूरा एक संस्कार है उसके साथ बचपन से ही। और लोग के प्रति मैं एक बात और बताऊँ, लोग को बहुत सामान्य मत लीजिए, लोग का मतलब ये फोक का ट्रांसलेशन नहीं है, लोग का बहुत व्यापक अर्थ है, लोग में सब कुछ आता है, हम आप सब लोग उसमें, उसकी चर्या सब कुछ है, अंचल विशेष की बात है, जहाँ मैं रहा वहाँ के जो संस्कार हैं वो सब जन है। मैंने लोग के बारे में बहुत पढ़ा नहीं, कुछ किताब नहीं पढ़ी, जो मैंने देखा, जो महसूस किया, जो जिया, उससे ही मुझको बहुत संतोष रहा और जिज्ञासा प्रारंभ होती है कि क्या है, इसके से क्या होता है। आज भी
एक विद्यार्थी की तरह कोई चीज़ आती है तो मैं लग जाता हूँ। लोक परंपराएं, लोक मान्यताएं, लोक साहित्य, लोक रीत, लोकाचार, ये सब कुछ मिला करके जो कुछ है एक अद्भुत है। वो हर अंचल का अपना अपना वो उसका अलग स्वरूप है। एक चीज़ मैं यहाँ जोड़ दूँ थोड़ा सा और, हम जिस देश में रहते हैं, इस भारत भूमि की विभिन्न अंचलों में विभिन्न तरह की बोलियाँ, भाषाएँ, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सब कुछ अलग अलग है। हर अंचल में है, उत्तर का अलग, उत्तर पूर्व का अलग, पश्चिम का अलग, दक्षिण का अलग, लेकिन सबके सब बड़े गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, पहले हम भारतीय हैं। एक फुलवारी जिसे, उस फुलवारी में रंग बिरंगे फूल हैं, इसको ने वो है उसको ने, हर फूल की अपनी अहमियत होती है, उसकी इतनी सुरभि होती है, उसका अपना सौंदर्य होता है, हर फूल का अस्तित्व है। लेकिन ये फुलवारी कहते हैं तो सब एक साथ सबका अस्तित्व हो जाता है और उस फुलवारी के सब अंग हो जाते हैं। ठीक उसी ढंग से यह देश है, यहाँ की विभिन्न संस्कृतियाँ, भाषाएँ, बोलचाल सब है। मैं जिस अंचल से हूँ वहाँ की बोली, देखिए हम लोग अमन भोजपुरी कहते हैं, भोजपुरी क्षेत्र बहुत बड़ा है और मूल मोटे तौर पर उसको तीन भागों में बांटा, काशिका, मल्लिका, मल्लिका। हम लोग काशिका के नज़दीक है। काशिका जो है अवधि के निकट की बोली है, मल्लिका मल्लिका वो थोड़ा सा खींच बोलते हैं, अलग थोड़ा है, समझते हैं सबको सब है, अवधि बोली जाती है हम समझ लेते हैं, वहाँ की भोजपुरी बोली जाती है हम समझ लेते हैं, लेकिन कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी, तो हर चार कोस के बाद स्वराघात बदल जाता है। इसलिए इसको विभाजन इसका करके आप देश बंटवारा नहीं करना चाहिए, सब एक बल्कि धरती से जोड़ती हैं ये भाषाएं, ये संस्कृतियाँ एक दूसरे की पूरक हैं, इस भाव से देखना चाहिए। अच्छा, जब ये सारा समाज जो है आधुनिकता की ओर भाग रहा था, सभी आधुनिकता की ओर जा रहे थे, तो आपके मन में ये भावना कब जागृत हुई कि अपनी ये जो माटी है, यानी कि अपनी संस्कृति है, अपनी जो पहचान है, इसको हमें सहेज के रख लेना चाहिए? देखिए अभी ये तो प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन मैं यहाँ एक बात बता दूं जी, परिवर्तन एक परंपरा से बात चली आ रही, परिवर्तन ज़रूरी होता रहता है, होना चाहिए। परिवर्तन रुक जाएगा तो गति रुक जाएगी, गति रुक जाएगी तो जड़ता आ जाएगी, और जड़ता आ जाए पर एकदम मोनोटोनी हो जाएगी आदमी एकदम। जैसे देखें अभी दिन है, शाम होगी, रात होगी, सवेरा होगा, फिर दिन चलेगा, ये क्रम चल रहा है। ऋतु भी बरसात है, शरद ऋतु, जाड़ा, फिर बसंत, फिर गर्मी, फिर तो ये परिवर्तन प्रकृति के देन है और परिवर्तन होना चाहिए, होते रहना चाहिए। ये जो कुछ आप आज करेंगे, आज जो गति है, मैं तो बचपन में हमारे गांव में सड़क नहीं थी और गांव से तीन कोस आने पर तब सड़क मिलती थी, तब एक कार, रिक्शा, तांगा, जो कुछ मिले, बस मिले, उससे फिर हम आते थे शहर में। सुबह चलें आज चलें तो उसके बाद उस दिन लौट नहीं पाते थे गांव तक। अब सड़क हो गई है तो तमाम साधन हो गए हैं। गांव में, हर गांव में स्कूल नहीं थे, गांव जा लोग को तीन को दूर जाना पड़ता था, अस्पताल नहीं थे। आज गांव गांव अस्पताल हो गए हैं, स्कूल हो गए हैं, अस्पताल दो चार दस गांव के बीच में है। और पहले जैसे जा रहे हैं, अंधेरा हो गया तो कोई गांव वो है तो उनके दरवाजे पर एक लालटेन जाके वो लटकाई रहती थी, हाँ हो दिखाओ फलाने का द्वार हो, फलाना गांव, तो उससे ही से जाते थे। आज गांव गांव बिजली हो गई है, ये परिवर्तन, विकास तो हुआ, उन्नति हुई। उसके साथ जो क्षरण हुआ लोक संस्कृति का, देखिए उसमें उसका दोष नहीं किसी का है, दोष हमारा है, हमारी पीढ़ी का है। हमने उसको उस समय उतना ध्यान नहीं दिया,
जितना आज दिया जा रहा है तो वो काफ़ी कुछ बचा रह जाता है, लोग उसे भागने लगे। है ठीक है शिक्षा गांव में शिक्षित लोग हो गए, नहीं तो अनपढ़ गांव में कभी चिट्ठी आ जाए तार आ जाए तो वो अंग्रेजी में आए तो भैया को अंग्रेजी पढ़ पाते देखा, आज स्थिति नहीं है बहुत बदल गई। तो इसको देखिए इस प्रगति को इस तरक्की को सिर माथे से स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके साथ एक पीड़ा होती है कि यार बहुत सी चीज़ें अनमोल चीज़ें ख़त्म हो गई, तो हम लोग धुनें ख़त्म हो गई, तो हम लोग परंपराएं ख़त्म हुई, बचपन के वो खेल ख़त्म हुए, होला पाती वो क्या वो इतना पानी घोघोर आने वो सब क्या खेल ख़त्म हो गया, उसकी कलक होती है क्योंकि उसको मैंने देखा है जिया है, इसलिए उस दर्द को मैं महसूस कर रहा हूँ, सब लोग नहीं कर सकते हैं। फिर भी जो कुछ बचा है उसे बचा कर रखने की एक कोशिश की जा रही है। आज साधन संसाधन बहुत हो गए हैं, अब जैसे आप बात हुई उसको आप रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, तो हम तस्वीर ले रहे हैं, वीडियोग्राफी कर ले रहे हैं, उससे जो कुछ बचा है वो सुरक्षित रह जाएगा, अच्छा लगता है। ये केवल लेकर के इसको संजो कर रखना नहीं कि धरोहर इसको रख दिया जाए, इसके माध्यम से इसको प्रसारित करके जो आने वाली पीढ़ी है उसको उसे संस्कारित करना होगा, तब ये चीज़ बची रहेगी, नहीं तो। और देखिए एक बात बहुत ईमानदारी की बात है, और मैं बेला कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, कोई किसी का डर नहीं है, बात जो सही है सही है। अपनी बोली को अपनी संस्कृति को अगर क्षति हुई है कहीं तो उसके दार अपने जिम्मेदार अपने लोग हैं। शहर में तो भोजपुरी बोलने में लजा लेना है बुद्धि है ना ही, कैसे अपने लोग से कम से अपने लोगों से उस भाषा अपनी भाषा में बात करिए, वो भी नहीं करते हैं। तो ये पीड़ा तो है। एक मेरे परिचित हैं, रहते थे दिल्ली में रहते हैं, एक मेरी किताब छपी अंगनैया, तो उन्होंने कहा भैया उसको लेते आइएगा, मैं इसको कई बार कई जगह कर चुका हूँ, ले गया ड्राइंग रूम टेबल पर रख दिया। एक 12-13 साल का लड़का रहा, उसको पूछाया तो वो किसी तरफ अंगनैया मम्मी पढ़ अंगनैया, उसने अंगनैया देखी ही आंगन देखा ही नहीं, फ्लैट में रहे, फ्लैट में पैदा हुआ, गांव आया ही नहीं, तो क्या तुझे वो पीड़ा हुई। और उससे उसके माँ बाप अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे, हमने कहा कि ये आप ना हाँ इसको मंगाए हैं कि आपके काम के नहीं है, मैं इसको लेता जाऊँगा। कम से कम अपने बच्चों के साथ अपनी भाषा बोली अपनी लोक संस्कृति उस पर तो बात की, लेकिन नहीं ये समझते हैं लोग। एक बार मैं SNDT लड़कियों की यूनिवर्सिटी है बम्बई में, मुंबई गया था तो वहाँ एक कार्यक्रम में वहाँ एक प्रोफेसर है, तो उन्होंने कहा कि आप कल मेरे यहाँ आइए। कहा कल तो नहीं आ पाऊँगा, 2 दिन बाद। उन्होंने एक आदमी भेजा, गए तो वहाँ एक क्लास में जिसमें करीब लगभग 80-85 लड़कियाँ बैठ सकती थी, बड़ा कमरा था, उसमें सारी व्यवस्था उसी में की थी, मुझको मेरा परिचय दिया, फिर शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि ये सब बच्चियाँ पूर्वांचल की हैं, भाषा समझ ले रही हैं, वहाँ की लोक संस्कृति लोकगीतों के बारे में कुछ। तो मैंने कहा वो तो बहुत विशाल है, कहाँ कितना बताएंगे। बहरहाल कई घंटे का समय थी, मैं बताता गया कि किसी को उदाहरण देता गया गीतों का, और वो उनको लगा कि वो सुन लेने पी रही हैं ये इस तरह से। और देखते देखते तो कोई 200 से ज़्यादा लड़कियाँ भर गई, सब खड़ी हो गई। है क्या उनको एक अलग उनकी जिज्ञासा थी कि ये क्या है, हमारी लोक संस्कृति क्या है, हमारे लोक गीत क्या हैं, विवाह के गीत क्या होते हैं, जत्सार गीत क्या है, वो ऋतु गीतों में क्या है, कजरी कैसे है, जो तमाम सब। लेकिन क्या है वो व्यवस्था उनके वहाँ है तो इस तरह की बात आती है, लेकिन हमको उसके बारे में बहुत वो नहीं सोचना है। समय के साथ सारी चीज़ बदलती रहती है, उसमें भी परिवर्तन आया हुआ,
लेकिन जो कुछ है हमको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, आपने जो है साहित्य में हिंदी के पद और भोजपुरी के पद दोनों ही पदों की रचनाएं की हैं। दोनों किया है। हाँ, तो दोनों में आपके जो सबसे प्रिय हैं वो कौन से हैं, हिंदी के या भोजपुरी के? यही बात है जी। बाबा तुलसी बाबा ने कहा है, निज कवित कहिलाग न नीका, सरस होए अथवा अति फीका। तो मुझे तो अपनी हर रचना प्रिय है, मैं कैसे कहूँ, नहीं कह सकता हूँ। ये है कि बोली वाली रचनाएँ मुझे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि वो मेरे उस मिट्टी से जुड़ी है। और एक सही बताएं, जैसे बेटा माई, मम्मी, अम्मा, इन सब में सब एक ही है, लेकिन माई में जो मिठास हो न अम्मा हो न मम्मी में हो, वो माई हो, बोलिए माई। तो ऐसे होकर कुछ ज़्यादा लगा, बहुत वो ठीक है। तो आप जैसे माई कहते हैं अपनी लोक भाषा को, अपनी भोजपुरी को, तो अपने भोजपुरी के जो आपके प्रिय गीत हैं जो यहाँ के काशी के, वो कौन कौन से हैं? जैसे चाहे ऋतु गीत हो या कोई और लोक गीत हो, आपके रचित हो या अन्य जो पारंपरिक हैं? दिखाई चलो कि जो पारंपरिक हैं वो तो बहुत ही श्रेष्ठ है, मैं उनको छू नहीं पाया, वहाँ तो पहुँच नहीं पाया हूँ। कोशिश करता हूँ, लेकिन वो उसमें जो सहजता है वही नहीं मिल पाई। और दूसरी चीज़ है कि बोली में वो, मैं इसको इसलिए प्रधान कहता हूँ कि वो मैंने जिया है, केवल देखा ही नहीं, जिया है। और मैं हिंदी में जो लिखता हूँ उसमें भी आपको वही लोक तत्व ज़्यादा मिलेगा, उसको लोक संवेदनाएँ मेरी ज़्यादा प्रबल हैं। और दूसरी बात है कि कथ्य जो है कहीं का हो, लेकिन उसे लोक, उसके साथ बात कारण ही क्या है, लोक को समझने के लिए लोक को जीना होगा, लोग को बहुत डूब के पढ़ना होगा, लोग को समझने के लिए। तो उसमें क्या है, लोक रस है। लोक रस एक उदाहरण आपको दे दें, जैसे आज तमाम कोल्ड ड्रिंक आ रहे हैं, से क्या नाम कर लिया है, कुछ क्या नहीं मालूम, और उस दिन से दूसरी तरफ एकदम गन्ने का टटका फेरा हुआ रस, वो तुम वो अंतर जो गन्ने के रस की वो मिठास है, जो उसका माधुर्य है, जो उसकी उसमें ऊर्जा है, वो उसे कभी नहीं आएगा, इतना अंतर है। और लोग को समझने के लिए लोग को केवल बहुत अच्छी तरह समझना, कारण कि लोक रस है, और लोक रस का स्वाद तब मिलेगा जब लोक मन होगा, लोक रुचि होगी, और उसी का अभाव होता जा रहा है, पीड़ा ये है, उसी को जगाना है, उसी के पे लोगों को जागरूक करना है। और अपना अपना तो अलग अलग, एक लोक मर्यादा होती है। देखिए, यहाँ मैं एक बात और बहुत साफ तौर पर कह दूँ, मैं नहीं जानता कि आप लोगों को पसंद आया या ना आया, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी क्षति हुई है भोजपुरी की, सबसे बड़ा आघात लगा है इस बोली को, इस भाषा को, एक बड़ा बड़ी तेज़ी से चला कैसेट कल्चर। कैसेट में तमाम गीतों के लिए तमाम लोग दौड़ते आए, आए एक से एक आए, उसमें कुछ इतने फुहड़, इतने सस्ते, इतने हल्के गीत आए जो सुनने पर भी होता है इसको कान बंद कर लें। अच्छा, परिवार के साथ, बच्चों के साथ बैठ के सुन नहीं सकते, बहुत खराब है। इससे क्या भोजपुरी का जो अपना साहित्य है, अपनी जो पहचान है, क्या उसको भी क्षति पहुंची है? बिल्कुल, बाहर क्या इमेज है, बाहर के लोग कहते हैं अरे भोजपुरी बहुत अश्लील है, तो कई बार भाष हो गई, हम कहे उसको आप, वो चंद लोगों की वजह से
इस तरह से बात बढ़ी है, ऐसा नहीं है भोजपुरी में क्या। फिर उसके बाद मैंने अच्छी तरह व्याख्यान दिया, समझाया और उनको उद्धरण देकर समझाया कि ये है जो नसीब नहीं होगा लोगों को। और उस पर लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ, हमने कहा कि इस तरह से ऐसे लोगों पर मुकदमा किया जाए, ऐसे लोगों को बैन किया जाए, लेकिन ऐसे ही लोग सम्मानित हुए हैं। आए ठीक है, चलिए वो है। जो भोजपुरी का मूल लोक गीत है जो यहाँ पे काशी में जो प्रचलित है, उनका जो साहित्य है उनके भीतर, जैसे जगह जगह का वर्णन भी है, कचौड़ी गली का कचौड़ी गली का वर्णन है और मोती झील का भी वर्णन है, हर जगह का, हर एक विषय का वर्णन है, तो उसके कुछ उदाहरण के साथ उदाहरण जैसे वो है ना, कचौड़ी मिर्जापुर केला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन केला बलमू, उसके पीछे की क्या कहानी। ऐसा है कि वो पता चला गया, जैसे होता था कमाने के लिए कहीं गरीबी है और नहीं कोई रोजगार कमाने के, तो मिर्जापुर चाहे कोई रहा हो, कोई उद्योग धंधा कुछ रहा हो, किसी लिए गए होंगे तो आने में। जैसे मिर्जापुर में बर्तन का काम बहुत होता था, एक बसनही बाजारे हैं वहाँ, बहुत विराट था उसका रूप और वहाँ से बहुत दूर तक सप्लाई होती है, गए होंगे तो वो पर प्राद कहा कि नहीं आए, और रहने वाला कचौड़ी गली का था वहाँ, तो कचौड़ी गली सुन केला बलमो वहाँ जाके बस गए। ये तो नहीं, एक और किस्सा सुना दें आपको। एक गीत चलता था कि धनरे से धुरवा के भाग बलम और बेतिया से लौटे, बचपन में सुना था, मुझे संयोग से मौका मिल गया बेतिया जाने का। तुमने कहा क्या बात है इसको, जैसा तो वहाँ के लोगों से पूछा कि क्या है, कैसा है ये गीत हमारे चलता क्यों, तो उन्होंने जो कुछ बताया दिखाया, देखिए ऐसा है पूर्वांचल में गरीबी थी, पहले इतनी पैदावार नहीं थी, सिंचाई के साधन नहीं थे, राम भरोसे दही भरोसे रहा, पैदा बरसात हो गई पैदा हो गई, नहीं तो सूखा पड़ जाता था, तो वो किस तरह से दाल रोटी चल रही है इस किसान की, तो कमाने के लिए बाहर जाते थे, कलकत्ता जाएं, आसाम जाएं, रंगून चले जाएं, बेतिया नजदीक रहा चले जाते थे, तो बेतिया में वो नील की खेती उधर होती थी और तो सब मिशनरीज वाले थे, तो वहाँ से कहे कि हम चर्च में सरकार छुट्टी होते जाए घरे हो जाए, कहे क्या रे हमारी कितनी है बच्चे हैं, ओ क्या जरूरत है तुमको, ये तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दें तो वो प्रोफेसर रहे, और ले जाते थे मिशनरी में, कहे इसमें इतनी लड़कियाँ चुन लो जिससे उसकी शादी करा दें तुम्हारी, तो कितने लोग उसमें रह गए, वो चला आया उसका जी। तो उस पर वो कहती कि धन जैसे धुरवा का भाग बलम और बेतिया चल रहे, जैसा उन्होंने बताया बुजुर्गवार थे। इसी तरह से मैं आसाम जाकर भेड़ा बना दिया, भेड़ा उड़ा कुछ नहीं, वहाँ जाकर के लोग तो दूर पड़ता था, मुख धो जाते थे, और उसमें भी जैसे एक कमजोरी होती थी कि भाई बिना परिवार के बिना औरत के वहीं शादी के लिए वहीं बस गए, तो वहाँ से आ ही नहीं पाते, कहें भेड़ा बना के रहो सुग्गा बना, ऐसा कुछ नहीं था, यही था। मैं तो आसाम मेघालय में खूब घूम करके मैं इस दृष्टि से भी मैंने उसको वहाँ लोगों से जानकारी दी, मालूम हुआ तो ये है। और वो जैसे मैं यहाँ था, मैं मोती झील में, मैं यहाँ राजा साहब की शरण में ही लगभग चार दशक से हूँ। पहले यहाँ मेहंदी की झाड़ियाँ खूब थी, जैसे राजा दोनों तरफ झाड़ियाँ रहती हैं तो मेहंदी की थी, इधर बगीचा था लीची का बगीचा, आम का बगीचा, तो आजकल तो मेहंदी वाले केमिकल वाले क्या वो नहीं, मेहंदी जो लेकर पीस करके रहती थी वो, तो मेहंदी सुरख सुरख के ले जाए लोग यहाँ से, तो बहुत था उसी समय कोई सेवक थे उन्होंने कजरी लिखी थी, पिया मेहंदी लिया दें मोती झील से जाके साइकिल से। बहरहाल वो अब उस समय रह गया, अब मेहंदी कहाँ रह गई है, एक आध पौधा उधर है बड़ा है, अब वो बात नहीं रही ना, तो उतना मेहंदी सूखते हैं वो, तो इस तरह की चीज़ें हैं, अलग अलग देखिए विषय हैं, अलग अलग भाव हैं, उस पर लोगों ने रचा है लिखा है। कजरी के बारे में एक बात और बता दूं कि कजरी केवल गीत ही नहीं है,
गायन ही नहीं है, कजरी एक पर्व है, त्यौहार है, और त्यौहार पड़ता है रक्षाबंधन के 3 दिन बाद। भादो की तृतीया को, कृष्ण पक्ष की तृतीया को ये कजरी तीज है, और शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज है, और ये महिलाओं का पर्व है। यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो कुछ मैंने सुना है, बड़ों से जाना है, देखा है, परखा है, इससे लोक गीतों में नारी स्वर का प्राधान्य है। संस्कार गीत, सारे संस्कार गीत महिलाओं के स्वर में है, ऋतु गीतों में भी उनके स्वर की प्रधानता मिलती है, पुरुष स्वर भी हैं। लेकिन एक उक्ति हमारे यहाँ बहुत बचपन में सुना था, एक पंडित जी कहते थे, वो लोका स्त्रिया, कि लोक खासकर इस लोकगीतों के लिए कि लोक के स्वर हैं, तो नारी स्वर का प्राधान्य है, प्राधान्य होना चाहिए। नारी ये जिसे शरीर में ये रीढ़ की हड्डी होती है, तो ठीक स्त्री जो है समाज की रीढ़ की तरह से है, गृहस्थी की रीढ़ की तरह से है, बिना उसके समाज की रचना हो नहीं सकती। और नारी शक्ति का सबसे बड़ा जो उसका है महत्व, उसका मातृत्व सबसे बड़ा है, सारे गुण जितने भी हैं सब उसके आगे बौने हैं। नारी का मातृत्व सबसे बड़ा होता है, इसलिए वो संस्कार गीत तो पूरे नारी स्वर में हैं, ऋतु गीतों में भी और गीतों में भी हैं। इसलिए ये कहने में कोई वो नहीं हिचक है कि लोक साहित्य में नारी स्वर के गीत ज़्यादा मात्रा में हैं। बाद पुरुषों के भी हैं, ऐसा नहीं कह सकते नहीं है, हैं। और श्रृंगार और विरह के गीत खासकर पावस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। श्रृंगार की इसलिए कि वो महिलाओं के वो पर्व, श्रृंगार पर्व, तीज से बड़ा पर्व कोई है नहीं, तीज तो सुहाग का सबसे बड़ा पर्व है, तो उस पर उसके साथ जुड़े गीत श्रृंगार से होंगे। जो विरहिन है वो श्रृंगार नहीं कर पा रही है पति के वियोग में, तो उसमें ऐसे विरह के गीत ज़्यादा है, मिलते हैं, खूब मिलते हैं। लेकिन उसमें जो कुछ भी एक लोक मर्यादा है उसकी बहुत रक्षा की गई है। आज जो इस ढंग की विकृत मानसिकता के लोग जो उतना कर रहे, फुहड़ कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो रचना है काशी महिमा, हाँ, उसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? हाँ, क्योंकि एक बड़ा काव्य है आपका, हाँ, और बहुत ही समृद्ध है। दरअसल मैं जब से आया हूँ, पढ़ाई लिखाई तो नहीं होती ही रही, तो मैं इस नगर को बड़ी जिज्ञासा की इसी को पढ़ता रहा, आज भी पढ़ रहा हूँ, नहीं समझ में आया। इतना जिस तरफ जाते हैं, इतना विशाल सब लगता है सब कुछ, चाहे साहित्य हो, संगीत हो, कला हो, चित्रकला हो, या यहाँ का लोक जीवन हो, यहाँ के विषय माझी लोग उनका है, पंडारों उनका, कुछ पंक्तियाँ साझा करेंगे, अरे वो सब कुछ दबंगई गुंडई सब कुछ, तो अभी उसका अंत नहीं, बहुत उसके अलग अलग रूप हैं, दो चार पंक्तियाँ नहीं देते हैं, बता रहे हैं। ये जैसे शुरू किया तब ने कहा कि अब काशी का ऋण जो मेरे ऊपर है, उससे उड़ने के लिए होने के लिए हम कहा कि अब क्या करें, तो और कुछ तो नहीं रहा मेरे पास, उनके जो कुछ है उसके हिसाब से, तो काशी महिमा के जो छंद लिखे खड़ी बोली में है, वर्णनात्मक है पूरा, कई मोन वो कोई बनावट नहीं, कोई कलाकारी कसीदा का बजे से, तो शुरू जहाँ से किया कि जो लोक मान्यता है मुक्ति धाम ये काशी नगरी, 3 लोक से न्यारी है, पावन गंगा तट की शोभा लगती कितनी प्यारी है। पहला छंद उसका है कि सबसे बड़ा तीर्थ है
जिसका संतों ने गुणगान किया, ऋषि मुनियों ने भी इसकी महिमा का सदा बखान किया। तपोभूमि यह देवभूमि है, परम रम्य परिपाटी है, मंगलमय परिभाषाओं से भरी यहाँ की माटी है। एक और मान्यता है कि काशी महामंत्र है, काशी महामंत्र है, इसका जिस प्राणी ने जाप किया, मुक्ति पंथ निर्माण स्वयं का उसने अपने आप किया, काशी दर्शन से अस्तित्व पाप का हिल हिल जाता है, काशी में जिसने तन त्यागा उसे मोक्ष मिल जाता है, बाबा विश्वनाथ की नगरी उनकी ही बलिहारी है, मुक्ति धाम ये काशी नगरी तीन लोक से नारी है। एक बार ऐसा है कि ये काशी पर एक चर्चा हो रही थी, मुझको बुलाया गया था, श्रोता की वजह से गया, लोग बोल रहे थे, दो तीन आदमी बोले, एक सज्जन थे बाहर से आए थे, वो खड़े हुए थे, उन्होंने कहा मैं 5 बार काशी आया और मैं काशी को पूरा जान लिया पढ़ लिया, और जब तो उन्होंने बोल गए, वो संजोग कि वहाँ उद्घोषक ने हमको बुला दिया। उसके बाद तब कि बाबू हमको बोलने के लिए नहीं कहा गया, मैं तो श्रोता गृह से आया हूँ। तो अध्यक्ष जी ने कहा द्विवेदी जी आप आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने विचार व्यक्त कीजिए। गए फिर लोगों से माफ़ी मांगी कि बोलने के लिए मुझे नहीं कहा गया था, आज यहाँ अचानक कह दिया गया, तो मैं दृढ़ता के लिए क्षमा चाहता हूँ, और मुझे बहुत डर लग रहा है कि इतने बड़े विद्वान के बाद बुलाया मुझको, जो 5 बार काशी आए और पूरे काशी को जान लिया, अब मुझको 65 साल हो गया, मैं आज तक समझ ही नहीं पाया, आज तक नहीं समझ पाया। फिर मैंने उनको बताया कि बाबू ऐसा है कि ये वो नगरी है कि यहाँ अनपढ़े लोगों को भी लोग गौर से पढ़ते हैं, यहाँ अनपढ़े लोगों को भी लोग गौर से पढ़ते हैं, ये वे हैं जो रोज स्वयं ही अपनी राहें गढ़ते हैं, इनके तेवर अलग अलग कुछ जीवन की परिभाषा है, फिर 10 जन्म भी बाँच न पाए ऐसी इनकी भाषा है, समझ न पाए अब तक, फिर किसमें दम है जो समझाए, जो इनको समझाना चाहे सच है वह मुँह की खाए, रोज कमाने खाने वाले भी मस्ती में जीते हैं, झंखे वे जिनके जीवन में हर दिन लगे पलीते हैं, कौन बता पाएगा इनकी संख्या कितनी भारी है, मुक्ति धाम ये काशी नगरी तीन लोक से न्यारी है। और यहाँ एक बात मैं और बता दूँ, मैं आप सबसे भी कह रहा हूँ कि काशी के पक्के महल को जिसने नहीं देखा नहीं जाना, वो काशी के बारे में कुछ नहीं जानता। काशी का पक्का महल है कहाँ? दशाश्वमेध घाट से चलिए भदौलिया चौराहा, फिर चौक वाली सड़क जो जाती है मैदागिन, फिर वहाँ से मछुदेई तक गाय घाट तक, उस सड़क के बीच में गंगा जी के बीच में जो एरिया है वो काशी का पक्का महल है। और काशी की रईसी, काशी की मस्ती, काशी का खान पान, काशी की ठाट जो कि देख रहे तो पक्के महल में जाके देखिए। तो उसके बाद में कहा कि काशी का पक्का महल काशी के दिल की धड़कन है, आंखों की फड़कन है तो पीड़ित प्राणों की तड़पन है। लगभग 5 दशक तक मैं नियमित रूप से गंगा स्नान करने जाता था, यहाँ 8-10 साल से छूट गया जब से विश्व हुआ, यहाँ से पैदल मैं मेरी पत्नी हम लोग जाते थे रोज पैदल दर्शन में। तो पक्के महल से कुछ माताएं आती थी, वो नारायण भोज लेकर के जो गरीब हैं दलित लोग हैं उनके लिए कुछ खाना लेकर आती थी, सब 15-20 का उपक्रम है आती थी रोज। तो काशी का पक्का महल काशी के दिल की धड़कन है, आँखों की फड़कन है तो पीड़ित प्राणों की तड़पन है। सकरी गलियों में भी इसका ऐसा अद्भुत रूप है, कहीं कहीं तो ऐसा भी है पहुँच न पाती धूप है, फिर भी जीवन जीने के कुछ ऐसे ठाट निराले हैं
जिसने देखा नहीं न उसके पल्ले पड़ने वाले हैं, उठा क्या है कि तरकस बोल, अबोल में ठसके, ठसके में भी प्यार भरा, तरकस बोल बोल में ठसके, ठसके में भी प्यार भरा, झांके तो अखड़पन में भी लबा लब सिंगार भरा, चौथे पन में भी लगता है कोई साथ कुंवारी है, मुक्ति धाम ये काशी नगरी तीन लोग से जारी है। उन गलियों में, गलियों की जिंदगी क्या है, क्या है वो, मुग्ध हो जाती है तबीयत, उसको समझे उसके भीतर जाके दिखे। इन गलियों के धंधों में नित कितनी जानी गलती है, किसे पता कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है, भले देखने में गद्दी छोटी है लेकिन काम बड़े, लगते हैं सामान्य भले ही लेकिन इनके नाम बड़े, बनना बड़ा और है लेकिन होना बड़का और यही, और दोनों की मिसाल अपने में लिए हुए है ठौर यही। इस पक्के महल में जाकर देखे तो कितना रस है, इस पक्के महल में जाकर देखें तो कितना रस है, कैसे कैसे रूप समेते हंसता हुआ बनारस है, कि भीतर बड़ी हवेली बाहर छोटी भले दुआरी है, मुक्ति धाम ये काशी नगरी तीन लोग से न्यारी है, ऐसा ये शहर अद्भुत है। और अंत में है तो लंबा उसका बहुत आनंद है कि पूरे देश के लोग, बाहर के लोग जो आते हैं नमन करते हैं, कि लोग नमन करते हैं आकर इस नगरी की माटी को जिसने सदा सजो कर रखा है पवित्र परिपाटी को, गुणी जनों का काशी ने है सदा सदा सम्मान किया, शास्त्रीय पद्धति से लेकर लोक रीति का मान किया, जीवन के शाश्वत मूल्यों से जुड़े धरोहर हैं यहीं, अति विशिष्ट मंचों से आंगन तक के सोहर हैं यहीं, काशी नगरी ऐसी जिसका सबने किया बखान है, सच तो ये काशी अपने में पूरा हिंदुस्तान है, गंगा तुलसी काशी की पीढ़ी पीढ़ी आभारी है, मुक्ति धाम ये काशी नगरी तीन लोग से न्यारी है। बहुत सुंदर। और एक प्रश्न ये है कि इस संस्कृति को, इस लोक विधाओं को संजोने में आप युवाओं से क्या उम्मीद करते हैं? युवाओं से उम्मीद नहीं, अगर युवा इधर नहीं झुक रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो ये उनकी कोई कमी, उन्हें कोई कोई दोष नहीं है, दोष सारा मेरा है, मेरी पीढ़ी का है, मेरे बाद की पीढ़ी का है, हमको ये ज़रूरत है हम उनको जनसे संस्कारित करें, प्रशिक्षित करें, उनको बता दें कि ये हमारी पहचान है, ये ख़त्म हो जाएगी हमारी पहचान मिट जाएगी, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, इसलिए अपने मूल को बचा कर रखना है। और ये चीज़ थोपने से नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, ये तो प्यार से उनको समझा कर बैठा कर अपने साथ लेकर अपने इस तरह से जीना सिखा करके तभी किया जा सकता है, सिखाना क्या उसको संस्कारित करना होगा, और वो अगर ये काम तो शुरू से ही करना होगा, बड़े हो जाने पर बड़ा संभव नहीं है। और मैं कभी भी ये नहीं कहता कि नई पीढ़ी दिशाहीन हो गई है, वो भटक गई है ना, अगर वो भटकी है दिशाहीन हुई है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं, दोष उसके ऊपर वाली पीढ़ी का है, उसने उसको क्यों नहीं दिशा दी, क्यों नहीं सही राह दिखाई, मेरी सोच अलग है, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई सहमत हो इससे, लेकिन मैं जो सोचता हूँ कि अगर वो कहीं से गड़बड़ है तो कमी हमारी है, उसके ऊपर वाली पीढ़ी की है, उसका दोष नहीं है। कारण एक बहुत मोटा था उदाहरण आपको दे दें, जल उसका रूप तरल होता है और स्वभाव उसका क्या है, गिराइए जिधर ढालोगा उधर बहेगा, फैल कर बहेगा, बेतरतीब बहेगा,
तो जैसे उसको जल्द से सलीके से बहाने के लिए, मर्यादित ढंग से बहाने के लिए दीवार खड़ी कर दी जाती है, नाली बना दी जाती है, क्या वो मर्यादा की दीवार हमने खड़ी की? नहीं की तो वह भी गीली मिट्टी को जैसे सांचे में डालिएगा वैसी आकृति उभरेगी। तो ये नई पीढ़ी तो गीली मिट्टी की तरह से हैं बच्चे, उनको प्यार से और बिल्कुल आत्मीय भाव से उस ढंग से संस्कारित करने की जरूरत है। वो नहीं कर पाते हैं तो दोष उनका कोई नहीं है। आज की जो स्थिति है देखिए, शहर में आकर के गांव के लोग भी शहर में आकर क्या बदल जाते हैं, गांव छूट जाता है, गांव से आए यहाँ कमाने लगे तो वो भी पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, बच्चा है वो दाई के भरोसे या इधर उधर, नहीं हुआ कहीं गलत संगत हो गई, कहीं गलत होता है, क्या क्या हो रहा है सब देखे कांड, तो वो उसका दोष नहीं है। इसलिए आप कितना भी व्यस्त रहें, आप वो आप भी कमा रहे हैं, आप भी व्यस्त, दोनों व्यस्त हैं, लेकिन सवेरे शाम अपने बच्चों के लिए घंटा दो घंटा समय दीजिए, उनके साथ रहिए, उनके साथ बात कीजिए, प्यार कीजिए, उनको एहसास हो। मैं तो वैसा भी देखा है, यहाँ उतना नहीं है महानगरों में, यहाँ भी है कुछ, लेकिन महानगरों में वो सुबह 5 बजे निकल जा रहे हैं, जाना है वहाँ 50-60 मिल 100 मिल दूर, मम्मी उधर चली गई, वो बच्चों को नाश्ता सारे बच्चे स्कूल गए, अब बच्चे आए फिर स्कूल से आए वहाँ आ गए, फिर खाना पीना 8-9 बजे आए तब तो बच्चे सो गए। छुट्टी हफ्ते में एक दिन इतवार के दिन वही छुट्टी के दिन कहीं मिल पाते हैं लोग, तो ऐसे बच्चों का क्या हश्र होगा। तो ध्यान देना ज़रूरी है, माँ बाप अपनी संतान को अगर नहीं संवारेंगे, उनको नहीं संवारेंगे तो उनका भविष्य भगवान ही मालिक है, बहुत ज़रूरी है ये करना। अच्छा, आप अभी शहर में हैं? हाँ, एक तरह से। हाँ हाँ कही। तो आपको अपने गांव की याद नहीं आती? बाबू मैं 67 वर्ष से गांव छोड़े 67 वर्ष हो गए, लेकिन गांव से संबंध नहीं टूटा, बराबर जाना आना है, वहाँ मेरी खेती बाड़ी है, घर है, पट्टीदार है, परिवार है, गांव के लोग हैं, मुझे सबसे बहुत प्यार है, बहुत मोह लगता है, गांव जाता हूँ तो आने का मन नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि यहीं रह जाएं, लेकिन व्यवस्था यह है यहाँ नहीं रह पाते, वहाँ कुछ और है, तो गांव बहुत वो मूल है मेरा कि नहीं छोड़ सकता हूँ कुछ भी हो। और पहचान मेरी वहीं से है, मैं कभी भी नहीं कहा कब कि फूलों के मुझे शहर के कह गए, हम गांव के हैं, कहे हमको अच्छा लगता है, और गांव की वो बातें याद आती हैं, गांव के वही सब बचपन के दिन याद आते हैं, तड़प जाती थे, लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी जैसे अब एक तो वय के हिसाब से वहाँ कोई देखने वाला नहीं, बच्चे यहाँ इंगेज हैं, दूसरी चीज़ है कि यहाँ है तो मैं कभी खाली नहीं रहता हूँ, रोज़ कहीं ना कहीं कहीं नज़दीकी आए, कल आए, फिर परसों आए, फिर इतवार, रोज़ कहीं ना कुछ कुछ रहता है, जाते रहते हैं, खाली रहते हैं तो बैठते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। हमें वो जैसे कहा ना कि मैं बस चलता हूँ, आगे चलता हूँ, पीछे नहीं देखता, एक आदमी ने कहा कि आप पैदल बहुत चलते हैं, आप क्या चलते हैं, चलते हैं हम चलते हैं, आपके पैर दुखते हैं? नहीं नहीं, आप क्यों चलते हैं? ध्यान सुनिए ये प्रश्न कि आप क्यों चलते हैं इतना पैदल। मैंने कहा इसका जवाब मैं कल दूंगा। दूसरे दिन मुलाकात हुई, मैंने उनको सुनाया कि चलना है, चलना है इसीलिए लगातार चलता हूँ, चलना है इसीलिए लगातार चलता हूँ, अभी और चलना है, अभी और चलना है। कंकड़ियाँ राहों की पाँवों में गड़ती हैं, कंकड़ियाँ राहों की पाँवों में गड़ती हैं, टेढ़ी मेढ़ी राहें बेतरह पकड़ती हैं, आगे से चलने का ढंग ही बदलना है, अभी और चलना है। बह रही नदी थी जो, ध्यान दीजिएगा,
कि बह रही नदी थी जो जमकर पथराई है, पता नहीं चलता है कितनी गहराई है। बह रही नदी थी जो जमकर पथराई है, पता नहीं चलता है कितनी गहराई है। नदियाँ फिर गति पाए, बर्फ को पिघलना है अभी और चलना है। और आखिरी बात, ये कैसी साजिश है, ये कैसा खेला है, ये कैसी साजिश है, ये कैसा खेला है। प्रश्न पूछता पक्ष में लोगों का रेला है, जैसे भी हो कोई रास्ता निकलना है अभी और चलना है, अभी और चलना है, अभी और चलना बस एक आखिरी प्रश्न है आपसे कि आपकी इतनी सारी रचनाएं आपने की, हिंदी और बहुत सारी किताबें लिखी, उनमें से सबसे जो करीब है आपके मन के, वो रचना चार पंक्तियों में शेयर करिए हमसे। तो कह ही दिया कि वो नहीं, कभी तकी लागने नहीं का नहीं सबसे नहीं, क्योंकि कुछ पंक्तियां आप पढ़ते हैं बहुत, एक तो पंछी आवा ओड़ी चली वही बनवा हूं, हाँ, और एक गीत बरसने बादल हूं, तो कुछ पंक्तियां हैं जो आप बार बार पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं जी। मैं वो क्या कहूँ, थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जी। एक जो मुझे मेरी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना हुई है, बहुत छोटी सी है, बस 8 पंक्तियाँ हैं, मैंने कोशिश की है कुछ कहने की बात, और उसको जो जिस दिन से लिया सबने उसको, एक तरफ जो बहुत पढ़े लिखे लोग रहे उन्होंने सराहा, तो दूसरी ओर देख रहे हैं कबीरदास भी मगन हैं, इस दिन का है। एक उसका शीर्षक है मोह, मोह के बंधन में हम आप सब बंधे हैं। एक कोई छोटी सी चीज़ है हमारे सामने नष्ट होने लगती है, तो हम उसको बचाने के लिए दौड़ते हैं। हमें हर आदमी का होता है कि हमारी छोटी छोटी नष्ट हो बचे, इसी बीच उससे कोई बड़ी चीज़ उस पर आ जाती है, छोटी चीज़ का मोह कम होता है, बड़ी चीज़ का आकर्षण ज़्यादा होता है, उधर दौड़ता है। और आते आते एक चीज़ स्थिति ऐसी आती है कि वो सब कुछ देख रहा है कि वो तब का वो हम अपने बचा लें, हम फिर खड़ा कर लेंगे सब कुछ मोह। इसको ध्यान रखिए, सुनिए। बदरा बरसे बरसे शिवनवा अंगनवान भीजे हो, बदरा बरसे तो बरसे शिवनवा अंगनवान भीजे हो, बरसे भीजे तो भीजे अंगनवा टंगनवान भीजे हो, बरसे बीजे तबीजे टंगनवा पिंजरवान बीजे हो, बरसे बीजे तबीजे टंगनवा पिंजरवान बीजे, पिंजरवान बीजे हो, और चाहे बीजे त बीजे पिंजरवा सुगनवान बीजे वो। दूसरा बंद इसका एकदम अपने में सिमट के सुनिए कि बोलिया रही रही बोले सुगनवा मयनवान बीजे हो, अमोरी मयना कह मोहिया सयान परनवान बीजे हो। और क्लाइमेक्स इसका है कि बस जहाँ असरवा के ज्योति नयनवान बीजे हो, बस जहाँ असरवा के ज्योति नयनवान बीजे, नयनवान बीजे हो, और चाहे बीजे तो बीजे नयनवा सपनवान बीजे हो, चाहे बीजे तो बीजे
नयनवा सपनवा न बीजे हो। और सपना दैट्स द ड्रीम ऑफ फ्यूचर। पंछी, नदियाँ, झरने, चिड़ियाँ और प्रकृति के बीच जीने वाले लोक कवि और साहित्यकार या लोक संस्कृति के संवर्धक, जो भी कह लीजिए, ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे बीच रहे, हमारे साथ वार्ता में। और ये एक अद्भुत वार्ता रही। हम रोज़ हब टीवी की तरफ से धन्यवाद देते हैं आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।